तो ये है मिड टर्म एग्जाम क्लास छठी हिंदी का वो पेपर जिसे आज आप 2 नवंबर को देकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ आंसर शेयर करेंगे, आपको कैसे कैसे पेपर करना था, कितना कितना लिखना था, जिससे कि आपके 60 नंबर पूरे आ जाएं। पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो अपने आंसर चेक करेंगे ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट में अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह से हो सके। और इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर डाल दिया है वीडियो, तो आप जाकर के उसे भी जरूर देखें। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पेपर का कंपैरिजन करें कि पेपर इजी और हार्ड किसका था। सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर करना है। पहला आपके पास गद्यांश था जो कि सामने स्क्रीन पर है, और इस गद्यांश से जुड़े एमसीक्यू टाइप के प्रश्न थे। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। और पेपर गद्यांश, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर फसलों से जुड़े त्योहारों की बात की गई है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग अपना ढंग नज़र आता है इन त्योहारों में। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो क्यों आखिर ये फसलों से त्यौहार जो है ना, वो जो फसल घर आते हैं उसकी खुशी में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तित संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो गद्यांश आपने पढ़ और समझ लिया है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा त्यौहार नहीं है। तो गद्यांश में पोंगल की बात है, बिहू की बात है, ओणम की बात तीनों की आई है, लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन की बात नहीं आई। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। फसलों का त्यौहार क्यों मनाते हैं हम? तो ऑप्शन आपको पहला ही है, फसल के घर में आने की खुशी होती है तो यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। अब हमारे पास एक कविता है, इस कविता को आप पढ़ें एक बार, कि जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। एक माँ और बेटे का प्यार। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर था कि माँ की आँखों में क्या झलकती है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि माँ की आँखों में क्या झलकती है, उसकी बेबसी। तो आंसर आपका खाप बेबसी सही है। कभी किनकी भाषा आप समझने लगा है, तो यहाँ पर सीधी लाइन में लिया हुआ है कि जो बोल नहीं पाते हैं मैं उनकी भाषा समझ पाता हूँ। और अब यहाँ पर कुछ ग्रामर से जुड़े हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, छोटे बच्चे भी इसका आंसर दे देंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल था। हमें सत्य का साथ देना है, हमें सत्य का साथ देना है ना कि असत्य का। तो सत्य का विलोम होता है असत्य, तो आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो संज्ञा छांटी है, तो संज्ञा आपको बताना था इन चारों में। तुम सर्वनाम है, गए थे क्रिया है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर हो गया है अमेरिका। अमेरिका क्या एक संज्ञा है। और तितली का बहुवचन क्या होगा? एक तितली है तो बहुत सारी तितलियाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तितली का बहुवचन तितलियाँ है ना, लड़की का बहुवचन लड़कियाँ। नीचे देख गद्यांश को पढ़ें, और यहाँ पर गद्यांश आपको अक्षरों की खोज, अक्षरों का महत्व जो आपके पास चैप्टर है उससे लिया गया है, अक्षरों की खोज। और यहाँ पर आपने इसे ज़रूर चैप्टर को पढ़ा और समझा होगा, कब मानव को सभ्य कहलाने लगा, कब उन्होंने इतिहास लिखा, किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए? तो यहाँ पर ही लिखा हुआ सीधा 6000 साल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 5 लग रहा था, लेकिन गद्यांश को देख करके थोड़ा सा याद आ गया कि 6000 साल इसका आंसर है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ? तो जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ।
विचारों और लिखने से मानव क्या कहलाने लगा? तो जब से लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब से वो सभ्य कहलाने लगा। कठिन का विलोम, तो भैया एक सवाल कठिन होता है, दूसरा बड़ा आसान होता है, तो कठिन का विलोम उल्टा आसान। अब यहाँ पर वह चिड़िया, जो आपके पास कविता है इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो किससे प्यार है चिड़िया को? मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को किससे प्यार है? नदी से। जल का मोती ले जाती है, तो जल का मोती का मतलब क्या है कि वो जल की बूंद ले जाती है, जो मोती से दिखती है ना वाइट वाइट, तो वो मोती की तरह। काव्यांश में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? तो इस कविता में चिड़िया की विशेषता बताई है कि वह चिड़िया जो है वो कैसी है, नीले पंखों वाली है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो एक चिड़िया और बहुत सी चिड़िया, तो यहाँ पर बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो उनके आपको आंसर बताने हैं। नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है? तो नादान दोस्त पाठ के लेखक आपके प्रेमचंद हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और नादान दोस्त में दो रोल थे, दो पात्र थे, दो भाई बहन थे। तो उन दोनों भाई बहनों के क्या नाम थे, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अपना स्कूल और अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि पता लगे कि आप किस स्कूल से और कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अक्षरों की खोज किसने की थी? तो यार बड़ा सिंपल सा सवाल है, अक्षरों की खोज की थी इंसान ने, की किसी भगवान ने नहीं की, बल्कि इंसान ने की है, मनुष्य ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। वह चिड़िया जो कविता में झुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं? तो दूध भरे झुंडी के दाने, किससे भरे? दूध से भरे। वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन हैं? तो आई थिंक इसके कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल हैं। एक बार आप अपनी नोटबुक, सॉरी अपनी बसंत की किताब में चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है। यह गंगा नदी है और भारत में बहती है, तो आपको यहाँ पर सर्वनाम छांटना है, सॉरी सर्वनाम भरना है। तो क्या होगा? यह गंगा नदी है और यह भारत में बहती है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह। सेम इसी वाले को यहाँ पे लिखेंगे। आज हमने मीठी खीर खाई है, तो आपको क्या बताना, विशेषण। तो विशेषण क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम की जहाँ पर विशेषता बताई जाती है, जिससे। तो किससे बताई जा रही है? मीठी से। तो खीर कैसी है? मीठी। दिए गए शब्दों के पुल्लिंग बताने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग होते हैं। लेखिका, तो लेखिका का पुल्लिंग होगा लेखक, लेखक। पाठिका स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग होगा पाठक, लेखक और पाठक। रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद आपको बताने, कौन सी संज्ञा है, जयपुर कौन सी संज्ञा है और महल कौन सी संज्ञा है। तो जयपुर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और महल आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महल किसी का भी हो सकता है, लेकिन जयपुर एक जगह का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है। अब आपको एक पूरे सेंटेंस में पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा। केशव और श्यामा क्या देखना चाहते थे? पूरा लिखेंगे आप कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को देखना चाहते थे। कितने अंडे दिए हैं ये देखना चाहते थे, वो अंडे कैसे थे ये देखना चाहते थे। लेखिका इतवार की सुबह क्या करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह अपने जूते और मोजे स्वयं धोती थी और उन्हें पॉलिश भी करती थी। नए जूते पहनने पर लेखिका को क्या परेशानी होती थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, नए जूते पहनने पर लेखिका के पैर जूतों से कट जाते थे, जिसके कारण उसे बहुत दिक्कत होती थी। पाठ नादान दोस्त में चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? तो लिखेंगे, पाठ नादान दोस्त में चिड़िया ने कार्निस पर अंडे दिए थे। खिड़की के ऊपर थोड़ा जो थोड़ा सा बाहर निकला होता है उसे कहते हैं कार्निस। निम्न के प्रश्नों के अधिकतम एक वाक्य में पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे कि वह चिड़िया जो कविता में, कविता की चिड़िया कैसे गाना गाती है? तो कैसे गाती है? वह
रस उड़ेल कर, तो क्या लिखेंगे, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया रस उड़ेल कर गाना गाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है कविता के आधार पे, तो किन किन चीज़ों से प्यार है लिखोगे, इस कविता के अनुसार, वह चिड़िया जो कविता के अनुसार, चिड़िया को नदी से प्यार है, अन्न से प्यार है और विजन से प्यार है, तो पूरा लिखेंगे, चिड़िया को क्या खाना बहुत पसंद है, तो चिड़िया को दूध भरे जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है, पूरा सेंटेंस लिखना है। वह चिड़िया जो कविता की चिड़िया का रंग और आकार कैसा है, तो वह चिड़िया जो कविता की चिड़िया का रंग नीला है क्योंकि उसके पंख नीले हैं और वह आकार में छोटी है, तो बार बार आना है, वह छोटी संतोषी, वह छोटी गर्वीली, वह छोटी मुँह बोली, तो इस तरह से छोटी उसका आकार है और रंग उसका नीला है। अब आपको इन सवालों के आंसर जो है ना, कम से कम दो और तीन लाइन में लिखना है। पहला प्रश्न है, तो जो पाठ बचपन में लेखिका के समय और आज के समय में क्या परिवर्तन हुए, तो लेखिका के समय में क्या होता था, लोग खसखस शरबत पीते थे और आज कोक पेप्सी लिमका पी रहे हैं। लेखिका के समय में लोग पेटीज वगैरह खाते थे तो आज जो है वो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। लेखिका के टाइम में कैसे कपड़े पहनते थे और आज कैसे कपड़े पहनते हैं, तो इस तरह से आप दो तीन परिवर्तन वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप एक परिवर्तन नीचे आप कमेंट में भी आप ज़रूर अपना लिखें, अपने नाम और स्कूल का नाम आप ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप किस स्कूल और कौन किस स्कूल से पढ़ रहे हो। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए, तो पूरा लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की सुविधा के लिए उनके लिए दाना रखा, कटोरे में पानी रखा और छाया के लिए चंदोवा लगाया, नीचे गद्दी बनाई, तो इस तरह से आप पूरा आंसर लिखोगे, दो या तीन लाइन में आपका आ जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावों में क्या बदलाव आने लगे, तो उम्र के साथ साथ लेखिका के पहनावों में बदलाव आने लगे, पहले लेखक को लेखिका को दूसरे कपड़े पसंद थे, बाद में उसे कपड़े दूसरे पसंद आने लगे, पहले वो किस तरह से पहनावा करती थी, मतलब वो धारीदार घेरदार, और बाद में उसका पहनावा चेंज हो गया, तो जो चेंज हो गया वो आप वहाँ पर लिखेंगे। पाठ बचपन में लेखिका की नज़र कमज़ोर क्यों हो गई थी, तो नज़र कमज़ोर क्यों हो गई थी, क्योंकि उन्हें और नज़र होने कमज़ोर होने पर उन्हें क्या करना पड़ा, तो पहली बात तो आप लिखेंगे कि लेखिका को नज़र कमज़ोर हो गई थी, उसे चश्मे लगाने पड़े, लेकिन चश्मे वो रोज़ नहीं पहनती थी, उतार देती थी, जिसके कारण उसका जो कमज़ोर हो गई थी और उसने अपने आँखों का और चश्मों का ध्यान सही से नहीं रखा। पाठ नादान दोस्त में चिड़िया ने अंडे क्यों फोड़ दिए, ऐसा किसने किया, चिड़िया के अंडे फूटे पड़े थे तो ऐसा किसने किया और क्यों किया, तो पाठ में तो बताया नहीं है कि किसने फोड़े क्यों फोड़े, लेकिन इसका आपको लॉजिकली आंसर देना था कि नादान दोस्त में चिड़िया के अंडे चिड़िया ने खुद फोड़ दिए, क्योंकि जब चिड़िया के अंडों को हम हाथ लगाते हैं या छू लेते हैं तो चिड़िया उसके बाद उनसे बच्चे नहीं निकालती है बल्कि वो उन्हें फोड़ देती है, और कभी भी, अभी आप छोटे हैं तो आपको चिड़िया के अंडों को कहीं भी दिखे हाथ नहीं लगाना है, उन्हें छूना नहीं है, क्योंकि उसके बाद चिड़िया अपने बच्चों को अंडों को फोड़ देती है, तो ध्यान रखना आपने। यहाँ पर आपको तीन प्रश्नों के उत्तर देने, फिर से लंबे टाइप के से दो से तीन लाइन आप लिखेंगे। कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया अपना जीवन कैसे बिताया करती है, तो चिड़िया कैसे बिताती है, वह दूध भरे झुंडी के दाने खाती है, वह जो है जंगल में रहती है, उसे जंगल पसंद है, वह जंगल के लिए गाना गाती है, और उसे जब पानी पीना होता है तो बहते धारे का पानी पीती है, रुका हुआ पानी नहीं पीती है, तो इस तरह से जीवन यापन आप लिख सकते हैं। कवि ने चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएँ बताई है, तो अगर आपने इवनिंग का पेपर देखा होगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको सेम सेम से दिखाई देंगे जो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आ रहे हैं। कवि ने चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताएं, तो बहुत सारी विशेषताएं बताएं, पहली विशेषता उसके नीले पंख हैं, दूसरी विशेषता वह संतोषी चिड़िया है, उसे वो सब कुछ खा लेती है, कभी दुखी नहीं होती है, वह बहुत मीठा गाती है, उसे जंगल पसंद है, तो इस तरह से आप
अपना आंसर कंप्लीट कर लोगे। यदि चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो चिड़िया को कैसा महसूस करती होगी? सोचो, अगर चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देंगे तो कैसा महसूस करेगी? तो सिंपल सा है, किसी को भी बंद रहना अच्छा नहीं लगेगा। आप लिखोगे अगर चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कैद होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, वह उड़ नहीं पाएगी, वह अच्छे से गा नहीं पाएगी, वह अपना मनपसंद नहीं खा पाएगी, और जहाँ मन करे वहाँ वो उड़ नहीं सकती है। तो ये सारी उसे महसूस करेगी, वो कुछ भी अच्छा उसे नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक पंक्तियाँ दे रखी थी, उसे आपको पूरी करना था कि वह चिड़िया जो ये जिस बच्चे का पेपर है उसने यहाँ पर कुछ भरा हुआ है, तो देखते सही है कि गलत है। वह चिड़िया जो, उसके बाद लिखना था कि वह चिड़िया जो चोंच मारी कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मतलब जिस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है ना, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पढ़ने के साथ साथ में हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना था, एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था, यानी कि आधे पेज से ज़्यादा आपको एक पेज लिखना है, और जिसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। मेरा मनपसंद त्यौहार कौन सा है, आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, त्यौहार के बारे में, वो त्यौहार कब मनाया जाता है, वो क्यों अच्छा लगता है, उस त्यौहार में क्या करते हैं, क्या क्या होता है, तो सारी बातें आप उस त्यौहार के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। होली, दीपावली, ईद, मतलब जो आपको अच्छा लगता हो। बाकी कौन सा त्यौहार आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा त्यौहार आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है, तो इसका आप जवाब कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को रोक लीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा त्यौहार और क्यों अच्छा लगता है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर जोड़ेंगे। मेरे सपनों का भारत, तीनों में से एक करना था, तो मेरे सपनों का भारत मतलब कैसा आपका सपनों का भारत होना चाहिए, भारत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गंदगी ना हो, बुराई ना हो, अच्छाई हो, अच्छे स्कूल हों, अच्छे मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, है ना, तो आप लिख सकते हैं। पुस्तकों का महत्व, तो किताबों का क्या महत्व है, बहुत महत्व है किताबों का। हम अनेक बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उनसे बहुत ज्ञान मिलता है, हमारा मनोरंजन होता है, हमारा समय भी व्यतीत होता है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती है, नया नया सीखते हैं, पढ़ते हैं और बड़े इंसान बनते हैं। तो पुस्तकों का बहुत महत्व होता है, इसलिए आपने पुस्तकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किताबों की इज्जत करें आप। अगला है कि निम्न किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना था, तो पत्र अगर आपने इवनिंग शिफ्ट का पेपर देखा होगा तो लगभग सेम सा आया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने भाई के विवाह पर 2 दिन के अवकाश के लिए, तो क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, क्योंकि ये मॉर्निंग में है, तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद विषय लिखेंगे जरूर कि 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे भाई की शादी, मैं अपना नाम 6ठी क्लास में इस सेक्शन में पढ़ती हूँ, मेरे भाई की शादी इतने तारीख को तय हो गई है, मुझे अपने भाई की शादी में जाना जरूरी है, परिवार के साथ हम जा रहे हैं, अतः महोदया से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 और 3 तारीख यानी कि 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। ठीक है, अपनी डिटेल आप लेफ्ट साइड में नाम, क्लास, सेक्शन सारा कुछ आप लिखेंगे। अथवा जो है, जैसे बचपन पार्ट में लेखक ने अपने बारे में बताया है, वैसे ही आप भी अपने मित्र को पत्र लिखेंगे और अपने नए विद्यालय के बारे में बताएंगे। आपने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखनी है, प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिखेंगे और फिर बताएंगे कि सबसे पहले आप कैसे हो, आपके घर में सब कैसे हैं, सबको नमस्कार करना, बड़ों को, छोटों को प्यार करना, अब इतना बोलेंगे। उसके बाद आप बताना शुरू कर दो कि बचपन में आपका बचपन कैसा था, हालांकि 1-2 साल तो कोरोना में ही चले गए, घर में कैद थे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। और अपने नए विद्यालय, अब मैं 6ठी में आ गई हूँ तो मुझे अपना स्कूल ऐसा लग रहा है, उसमें इतने टीचर हैं, इतने ज़्यादा टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं, तो इस तरह से आप बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद अपना पत्र आप अपने दोस्त को सेंड कर देंगे, नीचे अपना नाम आप ज़रूर लिखेंगे। तो आई होप कि आपको पेपर समझ में आ गया होगा।
कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आपको राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छी राइटिंग में अगर आपने जैसे मैंने बताया वैसे पेपर लिख दिया तो आपको 60 में से पूरे 60 नंबर आपको मिलेंगे और बाकी 40 नंबर आपको टीचर देंगे। तो टीचर कैसे देंगे आपको 40 नंबर, अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, इसे ज़रूर जा कर के देखें और इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो और आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बटन दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।